अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी आंवले के जैम बनाने की रेसिपी। विटामिन सी से भरपूर आंवला आंखों और बालों के लिए, स्किन के लिए, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर या फिर याददाश्त बढ़ाने में यह काफ़ी फायदेमंद होता है। आंवले को आप किसी भी रूप में कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसके कसैले और कड़वे टेस्ट की वजह से ज़्यादातर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते, इसलिए हमने आपके साथ आंवले के जैम की रेसिपी शेयर की है। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पे हमने 1/2 kg आंवला लिया है, जिसे अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया है। इन आंवलों को हमें गर्म पानी में डालकर बॉईल कर लेना है। यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, इसमें सारे धुले हुए आंवले डाल देंगे। आंवलों को बहुत देर तक हमें पकाना नहीं है, बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हम इन्हें चेक कर लेते हैं। हम इन्हें तोड़कर आपको दिखाते हैं। यह देखिए, हाथों से इस तरह टूट रहे हैं। इन्हें पानी से अब हम अलग कर लेंगे। अभी यह काफी गर्म है, इसलिए इसे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। यह ठंडा हो चुका है, इस तरह से दबाते हुए इसके अंदर की गुठली हम बाहर निकाल देंगे। गुठलियां अलग कर इसे हमने एक जार में भर लिया है। अब इनका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। यह देखिए, हमने इन्हें पीस लिया है। अब इन्हें स्टील की कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप आंवले का जैम बनाएं या फिर आंवले का मुरब्बा, उसे आप स्टील के ही बर्तन में बनाइएगा, नहीं तो आंवले का रंग काला पड़ जाएगा। आंवले का टेस्ट बहुत ही कसैला और कड़वा होता है, इसलिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम आंवला लिया है, तो 500 ग्राम ही हम शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर भी हमें एक ही बार इसमें नहीं डालना है, उसे पार्ट पार्ट करके हम डालेंगे। अभी हमने 1 कप शक्कर ऐड किया है, जब यह घुल जाएगी उसके बाद हम दूसरा ऐड कर देंगे। आधा कप शक्कर ऐड कर देंगे, बचे हुए आधे कप को हम बाद में ऐड करेंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पे लगातार इसी तरह चलाते हुए हमें पकाना है, नहीं तो यह नीचे से जल जाएंगे। बची हुई शक्कर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसी तरह लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है। इसे पकने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, यह थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, यह तैयार हो चुकी है। 1/4 teaspoon हरी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह मिला दें। ऑरेंज, येलो, रेड कलर का जैम तो आपने बहुत खाए होंगे। इसे हमने अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ग्रीन फूड कलर मिलाया है। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, सिर्फ 2 बूंद ही काफ़ी है। अच्छी तरह इसे मिक्स कर देंगे। फ्लेम हमने बंद कर दिया, आंवले का जैम बनकर तैयार है। वैसे कलर इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें। बच्चों को खाने में कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद होती है, इसलिए हमने ऐड किया है। इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दें। 3 से 4 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यह बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। विटामिन सी से भरपूर आंवले का जैम बनकर तैयार है। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। खट्टे मीठे आंवले के जैम की रेसिपी उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कुक विद लाडली को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।